अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जब हम ज्यादा फसल लगाते हैं, हमने सोचा इस साल बढ़िया होगा और धान, बहुत ज्यादा धान आएगा और उसके बाद हम बहुत ज्यादा बेचेंगे, व्यापार करेंगे, सोच लिया, मन बन गया। लेकिन कल कटाई होनी, आज रात में खूब बरसात हुआ, कल खेत में गए तो कुछ भी नहीं बचा। इसे कहते हैं देवता द्वारा जो ताप मिलता है वो ताप। और दूसरा शरीर द्वारा, कभी बीमार शरीर है, खाने के लिए 84 व्यंजन है लेकिन खा नहीं सकते, शुगर के पेशेंट हैं, प्रेशर के पेशेंट है, कुछ खा नहीं सकते, ना नमक खा सकते, ना चीनी खा सकते, ना शक्कर खा सकते, क्या करें? ये है भौतिकता। और आध्यात्मिक, सब कुछ होने के बाद भी दूसरों से जलन, व्यक्ति कब कब दुखी रहता है। व्यक्ति पहले तो कहता हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, जो हम चाहें वो सब हो, हम हमेशा सुखी रहेंगे। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुखी था, दुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो एक मकान है, बगल वाले के पास देखो दो दो मकान है, इसी चिंता से वो दुखी ही रहता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु कुछ मत दो, जितना हमारे घर के लिए, हमारे परिवार जितने में चल जाए उतना दे दो और परिवार को सुखी रखो। यही आशीर्वाद भगवान से मांगा करो। भगवान से कभी मकान, दुकान, गाड़ियां ये सब मत मांगो। भगवान के प्रेम मांगो, भक्ति मांगो, जो आपके पास है उसी में आप खुश रहोगे। ये बात लिख के रख लीजिएगा, सच्ची बात है, प्यार से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी। अब पीछे वालों को अच्छी नहीं लगी बात, हम क्यों नहीं मांगे? अब देखो ये छत्तीसगढ़ में मैंने देखा सबके घर बढ़िया वीआईपी मकान में रहते हैं सब लोग, पीछे वाले कह रहे हैं अब मांगने के लिए भी मना कर दिया। हमारा भी तो मन होता है कि अच्छा स्टैंडरी से रहें, इसलिए राधे राधे नहीं बोल रहे हैं। जानते हैं आप, प्यार से बोलो, अच्छा बोलो ना जी। और ऐसे सब कुछ देने वाले आनंद के स्वरूप परमात्मा भगवान कृष्ण को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं।